बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ सैयद तंजील और आज हम ऑनर रिव्यू की 7th एपिसोड के साथ हाजिर हुए हैं। आज का ऑनर रिव्यू होंडा सिविक की 7th जनरेशन के ऊपर है। होंडा ने ये जनरेशन 2001 में इंट्रोड्यूस कराई थी। फ़र्क सिर्फ इतना था कि वो प्री फेसलिफ्ट वर्जन था, उसकी छोटी हेडलाइट्स थी जिसकी वजह से उसको कैटाई का नाम दिया गया। उसकी टेल लाइट्स जो थी वो नॉन क्रिस्टल थी और जो इंटीरियर था वो ग्रे और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में था। 2004 में होंडा ने इसको फेसलिफ्ट किया, हेडलाइट्स इसकी चेंज की, जो कि फिर बाद में इसको ईगल आई का नाम दिया गया और हमारी मार्केट में आज भी ईगल आई के नाम से मशहूर है। टेल लाइट्स इसकी क्रिस्टल हो गई और जो है इसका इंटीरियर वो बेज और ब्राउन कलर का कॉम्बिनेशन के साथ आ गया। जो टॉप ऑफ द लाइन VTI और VTI ओरियल UG थी उसके अंदर हाइपर फिनिश जो थे इसके रिम्स आते थे और जो नॉन जो सिंपल एक EXI वेरियंट आता था उसके अंदर व्हील गैप्स आया करता था। और एक फ़र्क मैं आपको और बता दूँ, साइडों पे जो थी VTI ओरियल पे एक क्रोम की पट्टी जारी होती थी जो कि सिंपल EXI वेरियंट में नहीं होती थी। विदाउट एनी फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं आज का रिव्यू और जानते हैं ऑनर से कि उनके इस गाड़ी को रखने का उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो चलिए आगे देखते हैं। इस वक्त हमारे साथ जो है इस गाड़ी के ओनर जैन साहब मौजूद हैं, पूछते हैं इनसे। जैन साहब, सबसे पहले तो हमारे व्यूवर्स को आप ये बता दें कि ये गाड़ी का कौन सा वेरिएंट है, कौन सा मॉडल है। ये सिविक 2005 है, ईगल आई कहते हैं इसको, ईगल आई के नाम से मशहूर है EXI। ठीक है, और ये मैनुअल और ऑटोमेटिक में आपने मैनुअल जो है रखी है? ये मैनुअल रखी है मैंने। ऑटोमेटिक इसकी अच्छी है लेकिन मुझे मैनुअल का ज़्यादा शौक है इसलिए मैं मैनुअल की तरफ आया हूँ। ठीक है, वैसे कोई खास वजह है आपने मैनुअल प्रीफर की ओवर ऑटोमेटिक, क्योंकि एक तो लोगों का मिथ बना हुआ है ना कि वो ऑटोमेटिक की तरफ ही जा रहे होते हैं। मिथ बना हुआ है लेकिन यार हम लोग शौकीन है, सिविक है, स्पोर्ट लुक आता है इसमें, तो हम लोग ज़रा भगाने वगैरह के शौकीन है तो इसमें हम लोग को बड़ा अपनी मर्जी से RPM को जिस तरह हम लोग RPM को अपने हिसाब से हम लोग ऊपर नीचे कर सकते हैं भगाने में बड़ा। इसमें क्या कहते हैं ऑटोमेटिक में हम लोग बाउंड हो जाते हैं कि यार RPM उस तरह ऊपर नीचे नहीं कर सकते हम। ठीक है, मैनुअल में इस तरह बड़ा में आसानी रहती है, मज़ा भी आता है चलाने में। सही। अच्छा, आप ये बताएंगे इससे पहले आपने कौन सी गाड़ी रखी थी? इससे पहले मेरे पास शरार्ट थी और उस पर उसका तो खैर इतना अच्छा मेरा वो नहीं रहा था। बाकी मैंने इसके अलावा और भी गाड़ियाँ चलाई हैं, करोला भी चलाई है, इसी 2005 मैंने करोला भी चलाई है, लेकिन मुझे जो सिविक की प्लेजेंट ड्राइव जो कहते हैं ना जिसे, वो होंडा सिविक की मज़ा देती है और कोई गाड़ी नहीं देती। सही। अच्छा, ये आपके पास कितने टाइम से? ये मेरे पास 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। 3 साल पहले जो आपने ये परचेज करी थी वो कितने की करी थी? मैंने ये करी थी 7.5 लाख। ठीक है। अच्छा, उस वक्त जाहिर आप और गाड़ी भी देख रहे होंगे तो कौन सी आपने और ऑप्शन में रखी थी? मैं ऑप्शन में होंडा सिटी भी रखा हुआ था और करोला भी रखा हुआ था, लेकिन इस गाड़ी की ड्राइव की वजह से और लुक की वजह से, ईगल आई ये मशहूर इसीलिए है इसके लुक की वजह से, इसलिए मुझे ये गाड़ी बहुत शुरू से मुझे ये गाड़ी पसंद थी बेसिकली ना, और इसकी ड्राइव वो हमें बहुत अच्छी लगती है। सही। अच्छा, ये आपको एवरेज क्या दे रही है? ये एवरेज मुझे 9.5 to 10 देती है। शहर से बाहर और शहर के अंदर विद एसी और विदाउट एसी? विदाउट, मैं वैसे विदाउट एसी तो मैं इतना चलाता नहीं, जब भी चलाता एसी के साथ चलाता हूँ, लेकिन मुझे 8 to 9 शहर में देती है मुझे। ठीक है। अच्छा जहन, मुझे आप ये बताएगा इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट कैसी है? आपको लगता है कि इसकी मेंटेनेंस ज़्यादा है? ये नहीं यार, मुझे तो ये माशाल्लाह मुझे बड़ी इकोनॉमिकल लगती है, लेकिन ये है कि आप डिपेंड करता है कि आप ट्यूनिंग गाड़ी के ऑयल चेंज वगैरह, अगर ये टाइम टू टाइम ये चीज़ें बेसिक नेसेसिटीज इसकी आप पूरी करते रहो तो ये आपको माशाल्लाह वो नज़र देगी गाड़ी। सही है। अच्छा, पीरियडिकली क्या इसकी कॉस्ट आ जाती होगी? ऑयल चेंज हो गया, एयर फिल्टर हो गया, मिनिमम 5000 मैक्सिमम। सही है। और कितनी रनिंग पे आप कर लेते चेंज? मैं 5000 पे चेंज कर लेता हूँ। मैं हालांकि ऑल्टिक ऑयल यूज़ करता हूँ, उसका 6000 उसका होता है ना बेसिकली उसका टाइम, लेकिन मैं 5000 में इसको चेंज कर लेता हूँ। सही है। ठीक है। अच्छा जैन, मुझे आप ये बताइएगा कि कोई ऐसा पार्ट है इसका जो आपको लगता हो कि यार ये थोड़ा महंगा आता है या फिर
जो है ये इससे काफ़ी मुझे मुश्किल होती है कि ये हर वक्त ख़राब होता रहता है या फिर आपको चेंज करना पड़ता है। यार मुझे अब तक तो ऐसा कोई मसला नहीं आया है जो इसका मुझे आइडिया नहीं है। सारे पार्ट्स इजीली अवेलेबल हैं माशाल्लाह। हाँ इस गाड़ी के यार ये माशाल्लाह इसके कामयाब सरीन मॉडल में से एक है, तो इसका ये है कि हर चीज़ मुझे इजीली मिल जाती है, कोई इतना मसला नहीं आता इसका। ठीक है। अच्छा ये बताएंगे आप टोटली इसको पेट्रोल पे चला रहे होते हैं हाई ऑक्टेन या फिर आपने सीएनजी पे रखी हुई है? मैं सीएनजी में शुरू में चलाना शुरू की थी, तो फिर मैंने इसको कम्प्लीटली पेट्रोल पे चला रहा हूँ। मैं मिक्स हाई ऑक्टेन और नॉर्मल पेट्रोल मिक्स करके इसका टैंक फिल कराता हूँ। ठीक है। अच्छा इसका जैसे फ्यूल टैंक बिल्कुल जैसे खाली हो जाता है तो आप कितने तक का अप्रॉक्सीमेटली ये फिलअप होता होगा फिर? यार इसका मेरा वैसे तो मैंने कभी खाली इसको रहने दिया नहीं है, इसका आइडिया नहीं है इसलिए मुझे। और वैसे इसका अगर मैं बहुत लो होता है और मैं इसका 1500 का आजकल जो प्राइस चल रही है 1500 में 18 लीटर का आता तो हाफ टैंक हो जाता है मेरा। ठीक है जैन, आप मुझे ये बताएगा इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो कैसी है? जैसे 3 से 4 लोग जैसे बैठ जाते हैं गाड़ी के अंदर तो फिर आपको ये होता है कि इसमें मुश्किल होती है आपको कि नॉर्मल स्पीड ब्रेकर पे गाड़ी लगी होती है? 5 लोग इसमें बैठते हैं तो फिर इसी ग्राउंड क्लियरेंस में मसला आता है, लेकिन मैंने स्पेसर्स लगाए हुए इस चक्कर में तो सेफ रहती है मेरी, स्पेसर्स लगे हुए मेरी। ठीक है। तो कभी होता है कि जैसे स्पेसर्स में मैंने जहाँ तक सुना है कि पीछे से जैसे गाड़ी खाली हो तो गड्ढे पर एकदम लग रही होती है, इस तरह का कुछ होता है इसके अंदर? जी इस तरह होता है कभी गाड़ी, वैसे भी इसमें अगर आप गाड़ी में खाली जब गाड़ी होती है तो हाँ मुझे फील हो रहा होता है पीछे लग रही होती है गड्ढे पे जोर से। सही है। अच्छा हर जनरेशन में कोई ना कोई एक नॉन फॉल्ट होता है, इसके अंदर आपको लग रहा है कि कोई ऐसा है फॉल्ट? क्योंकि मैंने जहाँ तक सुना इसके सस्पेंशन में एक फॉल्ट आया था, गड्ढे पे जब जाती है तो एक आवाज़ आती होती है इसके अंदर? यार वो बेसिक मुझे शुरू में जब मैंने ये ली थी जब इसमें मुझे ये मसला नहीं आता, मैंने ये बहुत सुना था कि ना एक आवाज़ आती है शुरू में। इसके सस्पेंशन मुझे बहुत माशाल्लाह मज़ा आ रहा था, स्मूथ बहुत थे। इवन मुझे इसका रिबॉन में जब मैं बैठा था तो रिबॉन के थोड़े जम्स अगर आप देखें ना सस्पेंशन उसके थोड़े हार्ड है, इसके बहुत सॉफ्ट थे उस मामले में कंपेरिजन अगर उससे किया जाए। लेकिन इसका ये था कि बाद में मुझे फिर थोड़ी आवाज़ आना शुरू हो गई थी। सही है। अच्छा और इसके अलावा आप मुझे ये बताएं कि कोई कमी लगती है कि कंपनी को इस पर फोकस करना चाहिए था, ये चीज़ है यार अभी भी इस पर ना काम करना चाहिए था कंपनी को, कोई ऐसा फीचर आपको लगता होगा यार इसमें है अभी भी कमी? यार इसमें अगर मुझे सिर्फ एक चीज़ इसमें लगती है कि यार VTI को देखा जाए, इसके मेरा था EXI, VTI को देखा जाए तो VTI के हिसाब से मुझे वो बिल्कुल फुल ऑप्शन जो इसका है वो बिल्कुल इन्होंने बिल्कुल सही दिया हुआ है, उस मामले में मुझे कोई फॉल्ट नज़र आता नहीं है इसमें। अच्छा और जैन मुझे आप ये बताएगा जैसे गाड़ी लेने का जो डिसीजन होता है वो आप किसके घर में आप कौन लेता है, आप पे ही सब आपकी ही आपके फादर ने छोड़ा हुआ है या फिर घर में और लोग भी जो हैं इस फैसले में? मेरे फादर का इन्फ्लुएंस ऐसे गाड़ियों में बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि उनको ज़्यादा बहुत ज़्यादा नॉलेज मैकेनिकल में, उन्होंने डिप्लोमा वगैरह भी किया है, उनकी जॉब भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ही है, इसी तरफ फोकस उनका बहुत ज़्यादा है तो उन्हीं का ज़्यादा डिसीजन रहता था गाड़ी के मामले में ना। लेकिन इस गाड़ी को लेने में मैंने जी जान एक कर ली थी, मान नहीं रहे थे पहले उनको मैंने मनाया, तो फिर मैंने जब उनको पसंद आई इस गाड़ी के बारे में मैंने उनको जितनी इन्फॉर्मेशन थी शेयर की, फिर उनको पसंद आई ये गाड़ी, फिर उन्होंने इस चीज़ पे। सही है। अच्छा इसका जो AC के परफॉर्मेंस उस पर अगर मैं बात करूँ, ज़्यादा गर्मी में ऐसा तो नहीं होता कि इसकी कूलिंग आपको लग रहा है कि कम हो रही है या फिर? यार AC की बात जहाँ तक है ये तो पूरी होंडा सीरीज़ की बात ही यही है कि AC इसका बहुत, एक AC और एक ड्राइव ये होंडा से बेहतर आपको कहीं नहीं मिलेगी। सही है। अच्छा जैन मुझे ये बताएगा ये आप इसको थ्रू आउट डीलरशिप ही लेके जाते हैं इसके मेंटेनेंस के लिए या फिर किसी भी आप लोकल मैकेनिक वगैरह को दिखा देते हैं गाड़ी? यार मैं डीलर के पास ही लेके जाता हूँ, मैं प्रेफर नहीं करता लोकल मैकेनिक के पास ना, उनके पास एक तो प्रॉपर टूल्स नहीं होते ट्यूनिंग करने के लिए, प्रॉपर एक्सेसरीज नहीं होती, तो उससे बेहतर है कि मैं एक प्रॉपर जगह पे इसको ले जाके ट्यूनिंग हो जहाँ पे पूरा इक्विपमेंट हो उधर से जाके मैं करवा दूँ। सही है। अच्छा और इसके अलावा मुझे आप ये बताइएगा कि हेडरूम और लेगरूम स्पेस आपको कैसी लगती है? यस हेडरूम बहुत अच्छा है, लेगरूम का इसका मुझे लगता है कि कभी आपको ऐसा होता है कि आपका सर जो है छत से लग रहा हो बैठते हुए या फिर? नहीं हेडरूम तो इसका क्लियर है, मुझे लेगरूम का थोड़ा बैक साइड क्लियर थोड़ा लगता है कि हाँ थोड़ा सा लगता है थोड़ा लगता है मुझे बैक साइड। आपकी हाइट कितनी है? मेरी हाइट है 5'6"
5-6 तो उस हिसाब से भी आपको लगता है कि यार थोड़ा सा होना चाहिए था। बैक साइड पे मुझे लगता है कि लेग रूम थोड़ा ज्यादा थोड़ी सी कंजेस्टेड। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये नॉर्मल जैसे तीन लोग बैठ जाते हैं, जिसका नीचे का जो फ्लैट बेड है ये बिल्कुल फ्लैट है, जो ये जो बिल्कुल बिल्कुल फ्लैट है, फ्लैट है, तो आराम से तीन लोग बैठ जाते हैं, आराम से बैठ जाते हैं, उसके कोई लॉन्ग जर्नीज पे भी और फिर बिल्कुल 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 कोई इशू नहीं होता उसमें। ये है कि बस लेग स्पेस का मुझे पीछे बैक साइड पे बहुत लगता है कि यार थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। सही है। अच्छा और इसके अलावा मुझे आप ये बताइएगा कि अभी आज जैसे आपने जो है थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि आपको अपने फादर को काफी फोर्स करना पड़ा इस गाड़ी के लिए, तो वो कोई और देख रहे थे गाड़ी? वो कोई और देख रहे थे, असल में उनको वो इकोनॉमिकल की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहे थे कि उनको कोई छोटी गाड़ी, उनको बड़ी गाड़ी चलाने में बड़ा मसला हो रहा होता है, एज भी ऐसी हो गई उनको। ठीक है ठीक। तो इसलिए वो कोई दूसरी गाड़ी देख रहे थे। मैं कल्टस से इस तरह कि मैं सुजुकी से बहुत पसंद, होंडा की तरफ शुरू से मुझे ये ईगल आई बहुत ज़्यादा पसंद है गाड़ी, तो मैंने बहुत ज़्यादा पीछे लग गया कि नहीं मुझे यही लेनी है। सही है। मतलब आपका टोटली माइंड इसी के था कि यार मैंने ली नहीं है तो ये ईगल ही सिविक में उठाऊंगा और इससे पहले की नहीं है इसके बाद की। बिल्कुल मेरा माइंड सेट इस तरह का था, मैं शुरू से जब ये मॉडल जब ये इंट्रोड्यूस किया था होंडा ने, मुझे जब से ये मॉडल बहुत ज़्यादा पसंद था, तो उस वक्त से मैंने माइंड बना लिया था कि यार ये लेनी है गाड़ी जब भी लेनी है। सही है। सिविक में जब भी आना है तो यही गाड़ी लेनी है। सही। अच्छा हमजा इसकी रीसेल वैल्यू आपको कैसी लगती है, अगर आप इसको अभी भी सेल करने जाएं तो फिर आपको कैसी लग रही है, मतलब रीसेल है इसकी? यार इस गाड़ी की है, इवन कैट आई की अगर कंपेयर करें तो उसकी इतनी मुझे लगती नहीं है रीसेल वगैरह उसके लुक की वजह से, इसकी इस गाड़ी की मार्केट वैल्यू अच्छी है। सही है। अच्छा और बाकी इसका ब्रेक्स वगैरह का रिस्पांस कैसा है, क्योंकि ये तो मेरे ख्याल है नॉन एबीएस है, ईएक्सआई में एबीएस तो आई नहीं थी। बिल्कुल, लेकिन उस हिसाब से नॉर्मली अगर मैं बात करूँ ब्रेक्स का कैसा रिस्पांस है इसका? एबीएस से कंपेयर किया जाए तो जाहिर सी बात है वो बात तो नहीं आएगी इसमें, लेकिन ये है कि ओवरऑल अगर मेंटेन ब्रेक पैड वगैरह आपके अच्छे डले हुए सब कुछ है तो अच्छा रिस्पॉन्स देती है, लेकिन है ये एबीएस की एक कमी महसूस होती है इसमें। ठीक है। अच्छा कभी आपने शहर से बाहर कभी ड्राइव की इंटीरियर सिन वगैरह की तरफ लेकर गए इसको? यार इंटीरियर की मैं हैदराबाद तक ले गया, उससे आगे मैंने भी लेके गया नहीं उसको। सही है। तो जो ख़राब जो रोड आती है वहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे इस गाड़ी का, आपको लगा कि कहीं इसने अपनी परफॉर्मेंस छोड़ी है? नहीं यार मुझे तो नहीं लगा इस गाड़ी का ना, इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस या इन चीज़ों में ये गाड़ी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। हाँ ये है कि एक वक्त के बाद ये सस्पेंशन में काम बड़ा निकालती है, उसको ज़रा देख वो नेगेटिव पॉइंट वो एक वो नेगेटिव पॉइंट इस गाड़ी का ड्रॉबैक ये है कि ये सस्पेंशन का काम निकालती है गाड़ी। सही। अच्छा और इसके अलावा ये बताइएगा कि गाड़ी आपने ये बिल्कुल ओरिजिनल रखी, कोई शावर वगैरह कुछ भी नहीं है? कहीं से कुछ नहीं करवाया मैंने इस गाड़ी को, जैसी ली थी वैसी रखी हुई अभी तक मैंने इसको। इरादा है इरादा भी नहीं आगे शावर का तो नहीं है, लेकिन ये है थोड़ी इसको सेट करनी है इसको, मुझे शौक बहुत ज़्यादा है असल में गाड़ियों का ना, बॉडी किट्स वगैरह का मुझे एसेसरीज का बहुत ज़्यादा शौक है, तो मैं अपडेट करूँगा मैं इसको। सही है। अच्छा एक होता है कि लोग जब ये गाड़ी ले रहे होते हैं यार वो कहते हैं यार सनरूफ वाली गाड़ी होनी चाहिए, क्यों नहीं लिया आपने ओरियल की तरफ, आप क्यों नहीं गए? यार ओरियल की तरफ मेरा उस वक्त इतना बेसिकली अगर सर बताऊँ फ्रेंकली बोलूँ तो मेरा उस वक्त बजट इतना था नहीं। ठीक है। मुझे इसका अब जब भी मैं इसको थोड़ा अपग्रेड करने का करूँगा तो मैं आगे मूव करूँगा उसकी तरफ, मुझे सनरूफ का बड़ा शौक है, ये एक नेगेटिव पॉइंट मुझे अपनी गाड़ी का ये लगता है। सनरूफ होना चाहिए, ईएक्सआई में भी सनरूफ, बिल्कुल ईएक्सआई में भी सनरूफ देना चाहिए था। ठीक है। अच्छा इसका जो है टैक्स वगैरह भी कितना चल रहा है इसका? हाँ 1500 ही चल रहा है इसका टैक्स। अच्छा ये 6 months का 1500। सही है। अच्छा और इसके अलावा जो है क्या लग ये जो आपने रिम्स वगैरह जो इसमें अभी उसमें इंस्टॉल करें कौन सी, ये आपने यूज़ लिए थे कौन सी कंपनी के थे और ये कब आप? यार ये मुझे ये लगे लगाए मिले थे, मैंने इस पर कुछ इंस्टॉल नहीं किया अभी, मुझे ABS का बड़ा शौक है, वो मेरा अपडेट करूँगा तो वो लग पाऊँगा मैं इसमें, बहुत जल्दी मैं गाड़ी को अपग्रेड करना चाहता हूँ। ठीक है। अच्छा और इसके अलावा आप मुझे ये बताएं बिल्ड क्वालिटी के मामले में अगर मैं देखूं तो बिल्ड क्वालिटी का आप कैसी लगती है, आपको सेटिस्फाई है इसकी आप बिल्ड क्वालिटी वगैरह से? हाँ उससे मैं सेटिस्फाई हूँ, उतना भी मुझे इशू लगता नहीं है, क्योंकि मैं ये नोट कर रहा हूँ कि अब जो सेविक आ रही है उससे बहुत बेहतर है इसकी बिल्ड क्वालिटी। नहीं बिल्कुल ऐसा ही है यार, अब जो मैं भी बहुत ये सुना है कि यार आजकल इतनी बहुत क्वालिटी में फ़र्क आ रहा है बॉडी के हिसाब से, मैं क्या देख रहा हूँ बहुत लाइट असर वो अगर उसमें देखा जाए तो स्पीड
अगर आप उसको चेक कर रहे हैं, उसको लाइट वेटेड बहुत कर दिए गाड़ियाँ, मैंने आजकल ये बहुत नोट कर रहा हूँ, उसकी वजह से इतना मुझे ऐसे अंदाज़ा है नहीं, लेकिन ग्राउंड क्लियरिटी में मसला आता होगा। सही। अच्छा हम सर ये बताएं, कभी जैसे चार लोग बैठ जाते हैं या कभी भी किसी भी सिचुएशन के ऊपर आपको लगता है कि यार ये अंडर पावर फील हो रही है? यार अंडर पावर इन अ सेंस, हमें तो स्पीड के हिसाब से तो हर गाड़ी अंडर पावर ही लगती है वैसे नॉर्मली। अगर मुझे 1.6 इसकी VTI है उसमें नहीं लगता, मुझे इसमें मुझे फील होता है अंडर पावर। 1.5 है ये, इसको ये मुझे अंडर पावर लगती है, और VTEC भी नहीं है ये, तो इसकी वजह से पिक में मुझे बहुत ज़्यादा लगता है फील होता है। लॉन्ग रन में बिल्कुल सही रहती है, परफेक्ट रहती है, लेकिन पिक में मुझे ये अंडर पावर लगती है। तो वो VTI से अगर मैं कंपेरिजन करूँ तो जो आपको अंडर पावर फील हो रही थी, अगर आप उस पर कभी अपने हाई ऑक्टेन वगैरह डाल के देखा कि हो सकता है कि फ्यूल की वजह से ही कभी फ्यूल की वजह से मैं शुरू में मैं वैसे भी हाई ऑक्टेन के साथ पेट्रोल मिक्स करके करता हूँ, लेकिन ये है कि फ्यूल से इतना कोई वाजे फ़र्क नहीं पड़ता, पड़ता है लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने नोट किया, हाई ऑक्टेन भी करके देखा है, लेकिन फ्यूल से पड़ता है लेकिन इतना नहीं पड़ता कि वाजे फ़र्क है। सही। अच्छा इसकी बूट कैपेसिटी वगैरह कैसी है? CNG तो मैं खैर है इसके अंदर, CNG लगी हुई है, CNG उसके बावजूद जो है आपका लिविज वगैरह जो आप रखते हैं वो आ जाता है इसी? बिल्कुल बिल्कुल, वो माशाल्लाह उसकी कैपेसिटी अच्छी है उसकी। सही है। अच्छा लोग जो इस बजट प्राइस ब्रैकेट में ये गाड़ी अगर ढूंढना चाह रहे हैं, कोई सेडान डिग्गी वाली गाड़ी, एक होता है क्योंकि ये तो सिंबल है ना, एक डिग्गी वाली गाड़ी है, तो लोग होता है कि यार कम से कम प्राइस ब्रैकेट में एक अच्छी डिग्गी वाली गाड़ी हम ढूंढ लें, तो आप लोगों को मशवरा देंगे कि इस प्राइस ब्रैकेट में उनको ये गाड़ी जो है देखनी चाहिए? यार मैं बोलता हूँ इस प्राइस ब्रैकेट में इससे बेहतर गाड़ी हो नहीं सकती। लोग करोला को बहुत प्रेफर करते हैं, मैं बोलता हूँ कि करोला की अगर आप चेक कर रहे हो, मुझे करोला भी मैंने इस प्राइस ब्रैकेट में करोला भी देखी है, लेकिन यार करोला में मुझे वो मज़ा नहीं आया, ड्राइव में वो प्लेजर नहीं है करोला की। अगर आप इस शेप को देखें उससे ज़्यादा कामयाब आपका ये गया है मॉडल। लेकिन वो अगर XLi GLi की बात करें तो उसका एवरेज मेरा ख्याल से अच्छा है क्योंकि वो 1300 सीसी पर आई है। वो इकोनॉमी ये तो है कि इकोनॉमिकली अगर आप देखना चाहें तो वो है, लेकिन आपको इस प्राइस ब्रैकेट में अगर आपको ड्राइव भी देखनी है, अगर आपको इकोनॉमिकल भी, अगर ओवरऑल में तो फिर ये सब भी मेंटेनेंस भी होगी ये सब कवर हो जाता है, तो अगर आपको इस प्राइस ब्रैकेट में अगर आपको लुक भी चाहिए, गाड़ी का मज़ा भी चाहिए, जो कहते हैं ना प्लेजेंट ड्राइव जिसको कहते हैं वो भी चाहिए, और फिर होंडा, तो ये मैं इस गाड़ी से अच्छा और किसी को प्रेफर नहीं करता। सही है। अच्छा अब ना अगर मैं जहन में आपको ये बोलूँ कि इसको आप रेट करें 10 out of 10, तो आप कितने नंबर इसको देंगे? यार अगर EXi को तुम बोलोगे तो मैं EXi को 10 out of 10 ऐसे दूंगा, अगर इसकी VTI जो मॉडल है उसको मैं बोलूँगा 10 on 10, वो माशाल्लाह परफेक्ट गाड़ी है। सही। तो ये जो आपने जितनी जो इसमें माइनस की है नंबर, ये खाली इसके वेरिएंट के हिसाब से आपने? वेरिएंट के हिसाब से सर माइनस, परफॉर्मेंस के हिसाब से बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ इसके वेरिएंट के हिसाब से मैंने इसको माइनस किया, क्योंकि एक तो इस पे ABS भी नहीं दिया। ABS सेलेक्ट करिए गाड़ी, इंजन पावर सेलेक्ट करिए, 1.6 है उसमें, VTEC सबसे बेहतरीन मेन चीज है, इस चक्कर में मैंने इसको अंडररेट थोड़ा किया। और इसमें साइड ग्लास भी जो है मैं खाली नॉर्मल रिट्रैक्टेबल नहीं है और ऑटोमेटिक भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ये दो चार चीजें हैं जिसकी वजह से ये ना अंडररेट मैं इसको करता हूं। VTI को 10 on 10 है आपका इरादा कि आप इसको सेल करके VTI की तरफ जाएंगे? मैं आपको, मुझे शौक है, मुझे सनरूफ का बड़ा शौक है, और अभी मुझे शेप से भी दिल मेरा भरा नहीं, तो मैं अपग्रेड करके इसको मैं VTI लेंगे। कोई और जनरेशन नहीं करेंगे आप कंसीडर से? विक्रेबॉन हो गई या उसके बाद? यार अगर मैं, मुझे ट्राइबॉन इस मामले में अच्छी लगती है, उसका रिबॉन अच्छी है, सब कुछ है, लेकिन उसकी मेंटेनेंस थोड़ी हाई है और लगती है, मुझे ऐसा लगता है मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा है और फ्यूल एवरेज इतना अच्छा नहीं है, तो मैं ट्राइबॉन की तरफ ज़्यादा वैसे प्रेफर करता हूँ। सही है। और अच्छा कभी हुआ है कि जैसे एकदम इमरजेंसी का भी ब्रेक लगाते हैं, कभी हुआ है कि गाड़ी स्लिप हो रही है? नहीं यार, ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी है, मुझे एक दो दफ़ा इमरजेंसी ब्रेक लगा ना, गाड़ी इधर उधर हुई है बिल्कुल जगह पे यो। हाँ वो अलग बात है कि ABS के मुकाबले में अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो नहीं, ABS के हिसाब से तो नहीं, लेकिन नॉर्मली अगर नॉर्मल ब्रेक्स की मैं बात करूँ तो वो बहुत अच्छे हैं इसके। सही है। ये था हमारा आज का ऑनर रिव्यू, और आपको उम्मीद है पसंद आया होगा, और जैन आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें आज टाइम दिया, और
आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अपनी फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसके अलावा नीचे फॉर्म का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ जाके अगर आपको लगता है कि आप अपनी गाड़ी का जो है ऑनर रिव्यू दे सकते हैं तो वहाँ जाके वो फॉर्म फिलअप करें, हमारी टीम आपसे जल्द रब्ता करेगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।